पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, ये देखो ये पढ़िया पढ़िया पढ़िया। पता नहीं मामा को नेक्स्ट लेवल कुछ नई चीज बनाई है ये। करीब जाके तो मैं रील बनाऊं, लेकिन वजह पता है क्या है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हो? पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है। वैसे मैं कभी नहीं उठा, लेकिन आज मैं मामा भी हैरान गए, तुम इतना जल्दी उठ कैसे गए? मैं पसंद न्यूजीलैंड मैच हो रहा देखना जरूरी है भाई। छक्के चौके पड़ रहे हैं यार। पांचवा ओवर चल रहा है और ये चौका पड़ा शाहिन अफरीदी के ऊपर। यार क्या है यार, मतलब ये बंदा इतना जल्दी उठा है हारने को देखने के लिए, जीतने को देखना चाह रहे थे यार। एक अच्छा आइडिया दूं, मैंने भी आधे घंटे से बात खोला है तो यहाँ लिखा आ रहा है फॉर वन आउट इन 14 ओवर्स। एक आउट इन 14 ओवर्स, अबे यार 50 ओवर का तो एक इनिंग होती है यार। नहीं तो बंदा स्पेशली अपनी नींद खराब करके उठे फॉर द मैच। अब मुझे अभी नींद ही नहीं आ रही। अब ये देखो यार 120 फॉर वन, एक स्कोर होता है 120 फॉर वन, इनको कम से कम एटलीस्ट 4 तो लिखाते हैं पे 120 फॉर 4। बहुत बुरा खेल रहे यार, इधर दर्द होती है इधर। कसम खुदा की हो गई है यार, अब 204 फॉर वन अभी भी यार, मतलब के और चाहते क्या कितने मैच हो ना। सीधी बात ये देखो, ये अबे बंद हो जाना यार, बस अल्लाह हाफिज़ खत्म। तो सम टाइम फॉर सम लंच, ब्रेकफास्ट मतलब कि ब्रेकफास्ट लंच, बोले थोड़ा शाम में निकलने का फॉर द ब्लॉग, तो ये करते हैं फिर आगे भी देखते हैं क्या क्या होता है। मैंने चांस में ऑन कर लिया टीवी, 341 फॉर 4, वेरी गुड, वाओ। ये इनको 341 फॉर 4 जो है ना, 4 ये को 120-150 पर करना चाहिए था 4। अब कर रहे हैं जब ऑलमोस्ट 50 ओवर्स पूरे होने वाले। मुबारक हो, पूरे 4 साल के बाद एक और विकेट गई, बहुत बहुत मुबारक हो। टीम सामने बॉलिंग कराई और ये सीधा बोल्ड, वेरी गुड, ये हुई ना बात। आज बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं जब सुबह जल्दी उठ गया यार, बहुत बड़ी गलती हो गई। सुबह से डांटे सुनने को मिले, टैड सिंह डांटे, एंड नहीं उठूंगा आज, अपने टाइम पे 2 बजे उठूंगा मैं दोपहर में। खैर इधर हमारा आ गया ब्रंच एंड सम चाय चाय चाय, बिस्मिल्लाह करते हैं। पता नहीं मामा को नेक्स्ट लेवल कुछ नई चीज बनाई है ये मुझे क्यों लग रहा है कि कोफ्ते हैं। देखा है कोफ्ते हैं यार, कोफ्ते कौन खाता है ब्रंच में यार, ट्राई तो करें फिर भी। कोफ्ते नहीं है तो कोई मैश पोटैटो टाइप की चीज़ है। अच्छा कॉम्बिनेशन चेक करिए, मैश पोटैटो डाल दिया, इसमें चावल है, कोई दूसरा मांगा आदमी, और इसका पास्ता जकास। जल्दी जल्दी मैं गाड़ी इधर खड़ी कर चली गई, मैंने कहा बोला चाबी लो गाड़ी ना पार्किंग में लगा देना पीछे, धूप में लगा दिया कल बंदों ने, इसलिए उड़ूंगा निकाल के इधर लेकर फिर बैठूंगा। वो चाचा मैंने उधर लगाने को बोला था, उधर पार्किंग में, इधर ओपन एयर में नहीं लगाने को बोला था। भाई जान अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी पेंडो को आप कब शिफ्ट करेंगे? अबे इंसान बना कर मुझे खामा खाई जाएगा, मोबाइल बना कर भैया ये कहीं करेंगे तो पैदल लोग बेवकूफ़ बनते रहे तेरे से। हमारा काम ही यही है। हाँ तो ये फिर मेरा भी काम है, फिर देख मैं भी उठा के लगाऊंगा और तुझसे ज्यादा डालूंगा, तेरे पास तो ये बिस्मिल्लाह करो, कंपटीशन लगाना है, बिस्मिल्लाह करो, आ जाओ भाई मेरे पास तो लेडीज है। अल्लाह इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजिऊन, समझ रहे हो? आपका भाई निकला, मैंने कहा थोड़ा रील शील बना लूं, बोला बेटा ये दवाइयां भी ले है ना। दवाइयां भी कैसी, मैं भूल भी गया, कोई पता नहीं कोई जड़ी बूटी की कोई नाम की दवाई है। मैं कह रहे देसी टोटो खत्म करो, देसी टोटो में फर्क थोड़ी पड़ता यार, धूल देसी टोट के यार ये अम्मी, लेकिन वही लेकर आओ तुम, हम ले आते हैं क्या जा रहा है, देखते हैं शॉप अगर हमें कोई मेडिसिन मिल जाए ना। पहुंचा ना ये एक इनका जो बर्ड है ना भारी घूम रहा है रोड पे, मैं ज्यादा करीब उड़ना आ जाए। ओके गुड, ये तुम लोग देखोगे सारा कुछ रील के अंदर। करीब जाके तो मैं रील बनाऊं, लेकिन वजह पता है क्या है? जब करीब जाऊंगा तो जानवर दूर भागेगा। मार्केट है ना, खड्डा मार्केट क्यों है? बिकॉज इट्स मेड है ना खड्डा, पूरा कराची नाम है खड्डा सिटी होना चाहिए। एक रोड के ऊपर इतने सारे खड्डे, इतने सारे खड्डे, अब लाइव जो नहीं ब्रेक लानी पड़ी जिस फॉर द खड्डा।
आप लाइव नीड फॉर स्पीड खेल रहे हो यार, मतलब कि यार आपने डॉज करना हर खड्डे को जो आ रहा रास्ते में आपके। मान लेते केले वो ले लिए, जा रहे हैं घर, अभी टाइम हो रहा है 3:25। अभी मैं यह सोच रहा हूँ कि यार मैं करूँ क्या, मैं डिफेंस जाऊँ या जाऊंगा तो मुझे मतलब 20 मिनट तो लगेंगे पहुंचने में, 10 to 20 minutes में पहुंच जाऊंगा। पता है कुछ खाएंगे पियेंगे तो मतलब मुझे 5, 5:30, 6 बज जाएंगे। 6 बजे का ये है कि ट्रैफिक हो जाता है रोड पे यार, और मुझे ट्रैफिक में गाड़ी चलाना मजा नहीं आता। देखते हैं मैं जाता हूँ नहीं जाता, कोशिश है मैं चला जाऊँ वरना अल्लाह बेहतर जानता है। आगे तुम लोग ब्लॉग में देख लोगे क्या होता है क्या है। 2 seconds later, I came home, I checked out the score, 75 for 1, like words. Defense तो मैसेज है, हैदराबाद जा रहा हूँ मैं, जब एक कोने में जा रहा हूँ कराची के, दूर दूर जाने रहा 10 minutes 15 minutes की ड्राइव है। वहाँ चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं, खाने पीने जा रहे हैं और कुछ देखते हैं। कदम से मुलाकात हुई, कराची आ गया। क्या होता है बाहर वेकेशन पे तो वो स्कूल की सतह पे मैं नहीं मिल रहा था इतना, उससे मिड टर्म चलते हैं, अगर आ गया हाथ में ठीक है वरना डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पढ़ाई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यार डिफेंस की हालत देखो क्या यार, बुरी हालत हुई भी है। मुझे घर पहुंचे मैंने कजन के कोई 10 मिनट लगे, आगे पीछे मैं रास्ता घूम रहा हूँ कहाँ से हूँ, मतलब बंदे को रेवो रखनी पड़ेगी अगर बंदे ने डिफेंस घूमना है। इतना इतना मुश्किल, मतलब कि जिस गली में जाओ वो गली बंद है, वो टूटी भी, ये भी टूटी है, लोग मतलब एजर्ड लोग कैसे निकलेंगे घर से बाहर। बात तो सही है यार, मगरब हमें हो गई ठीक है, बस वो काफ़ी टाइम बाद है तो सलाम दुआ करने बातें करने बैठ गए। छुट्टी का धंधे इजाज़त मिल गई, मैंने बोला कि सब पढ़ना तो मैं नहीं लेके जा रहा, मसला है नहीं, नहीं ले जाए नाराज़ हो जाएगा बुरा मान जाएगा। मैंने कहा चला तो ये तो बैठो डिफेंस की सड़कें अल्लाह माफ़ करे, जो घर पहुँचे सीखने, जो ना पहुँचे वो नाले के अंदर ही है कसम से, जैसा कि रोड हुए अभी हम नाले के अंदर गिरने वाले थे, बचा दोगे सिक्योरिटी गार्ड ने बचा लिया। अभी हम दूसरी जगह पर जा रहे हैं क्योंकि वो कार्ट बंद पड़ी थी, मैंने ब्लॉक क्यों नहीं किया पता नहीं, तो वहाँ चल के मिलते हैं तुम लोगों से डायरेक्ट। सामने सीन जैसे मैच भी चल रहा है तभी इससे गया है, और अच्छा है बारिश होती है तो सही है। खैर ट्राई करते हैं क्या खाएं क्या नहीं खाएं, लेट्स चेक इट आउट। कोशिश पूरी के चेक करने इजरायली प्रोडक्ट तो खा रहे हैं यार, बंदा ना हर चीज प्रोटेक्शन लगाते हैं प्रोटेक्शन, और वो भी ऐसी चीज के ऊपर। ये मेरे कजन का फोन है, प्रोडक्शन देखो कितनी नेक्स्ट लेवल प्रोटेक्शन, मतलब कि अगर इस बोर्ड खलीफा के टॉप से भी गिर गया ना ये, तो मेरे ख्याल से इस पे स्क्रैच कुछ भी नहीं आता, ये तो कुछ भी नहीं है, और ये भी लगा और से जरा आप थोड़ा देखें। अच्छा प्रोटेक्टर वगैरह सब है बिल्कुल, लेकिन ये सबसे ज्यादा वो लगा मुझे इस पे, ये असल में तकिया है, इसमें सर रख के सो जाता। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो कितना खाना भाई, मैं कहता हूँ तुम स्कूल वूली बचा के ले जाना, लंच बॉक्स में डाल के ले जाना। बिल्कुल बिल्कुल बिस्मिल्लाह करो यार, क्या बड़ा बुलडोजर बन कर आ रही है, अभी खाना है हमने डाल दो, मैं कर देंगे नहीं पता नहीं। सर खोलेंगे, थैंक यू। अच्छा भाई चौकीदारी करने रहा था यार, वो बंदा मेरे को ये पकड़ा रहा था, ठीक है बस ओनली 10 rupees ओनली, दिस इज बिजनेस। We are back home and end of the vlog over here. So do like, subscribe, share and comment. Follow me on Instagram, Facebook and YouTube. तो उनमें से बनाए vlog का तुम लोग ख्याल रखना, and जब मारे बम मारे तो नीचे गिर जाएगी लिफ्ट फॉरन, तो पड़ा।